वापस बताऊं? बिल्कुल नहीं, इस कड़ी को जोड़ेंगे। अभी इसने एडमिशन तो ले लिया, पीस कहाँ जमा कराई? पीस कहाँ जमा है? बार कार्ड चेक हो रहे हैं, फीस नहीं करी ना। अभी बताते हैं आपको। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कानड़देव सोनगरा। हमने ये देखा था कि ये आपके दिल्ली और ये गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई और ये सेना जब वापस दिल्ली जा रही थी तब इनको बीच में रोका था कानड़देव सोनगरा के सेनापति जेता और देवडान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि हो सकता है कोई गलत फहमी हुई, उसको दूर किया जाए। ये ऐसा नहीं था कि कैंपर लेगा ठोका दिया, ऐसा नहीं था। इसने सोचा ये दिल्ली का बादशाह है, ऐसे ही थोड़ी एक्शन लेता है, सोचता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। जालोर आया 1305 में और आकर मुलाकात की किसे? कानड़देव सोनगरा से। दोनों बेटे बेटे तो शाम होने लगी, इधर से धीमे धीमे साउंड की आवाज आ रही थी और मुलाकात चल रही थी। तो कानड़देव सोनगरा ने मुल्तानी को बड़े आराम से बताया, देख ये तो है भोला आदमी, इनके हाल टेक्निकल हेल्पर की तैयारी चल रही, इनको घना आइडिया है नहीं, इनको ये पता नहीं है कि राजस्थान जी के कितना सीरियस है, इनको पता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा विवाद हो गया। तो मुल्तानी ने भी कहा चलो ठीक है, जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये जो मुलाकात है ये संधि में हो ट्रांसफर करते हैं। संधि ये हुई कि आज के बाद में जब ये सैनिक आएंगे तो आप रोकेंगे नहीं। तो कानड़देव सोनगढ़ ने कहा भाई क्यों रोकेंगे, हम यहाँ रोकेंगे, नाश्ता पानी कराएंगे और आगे चल निकलेंगे। रोकेंगे तो सही, लेकिन मिर्ची बड़ा कचौरी जो भी है चाय वगैरह पिलाएंगे और आगे दिल्ली तक आराम से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस संधि के तहत कानड़देव सोनगरा ने अपने पुत्र वीरमदेव सोनगरा को कहाँ भेजा? अब ये जो वीरमदेव सोनगरा है ये बड़ा हैंडसम था, सिंपल सी बात है, वीरमदेव सोनगरा राजपूत है तो 7 फुट तो हाइट है इसकी और दिखने के अंदर भी रणवीर कपूर है ये। अच्छा, ये दिल्ली गया। अच्छा, यहीं दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? फिरोज। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बेगम। आराम से सुनो भोला आदमिया, आराम से सुनो, आराम। कौन थी? चिमना बेगम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो चिमना बेगम है ये मोहम्मद शाह से हाय हेलो करती है, इनका आपस में ठीक चल, सिंपल बात है, माँ का असर तो दिखेगा ही दिखेगा। तो फिराजो को प्रेम हो गया था किसे? वीरमदेव। वीरमदेव को फिरोजा से नहीं हुआ, ये बिल्कुल तटस्थ है, इसको टेक्निकल हेल्पर ही बनना है, ये सख्त है भाई, ये सख्त लोंडा है, नहीं झुकेगा। तो वीरमदेव सोनगरा तो तैयारी कर रहा है। फिरोजा को धीरे धीरे प्यार हो गया किसे? अरे जी धीरे धीरे होता है, एकदम कहां होता है। तो उसके बाद में फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी को यह बात बताई के पापा के पापा आप मान जाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बेटी मैं तो मान्यड़ हूं, तार भाई नहीं देख ले। मैं तो मान्यड़ हूं, मारो भाई है ये देख। अब मानो किसका है? वीरमदेव। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव से कहा आजा भाई क्यों टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहा है, डायरेक्ट इधर से क्यों कर रहा है, इधर से करेंगे ना, क्या बनना है, हेल्पर ही तो बनना है, तो तू इधर से रास्ते से क्यों जा रहा है, इधर से जाना टेबल के नीचे से। बना देंगे जो भी होगा। अच्छा, तो वीरमदेव सोनगरा ने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा करना कुछ नहीं है, इस टेबल के नीचे से ये बन जा और किसको ले जा? फिरोजा। अब वीरमदेव सोनगरा पहले से ही किसी से प्रेम करता है और वो हमारे यहाँ की है,
कहाँ की? जालौर। आज इसमें इसका क्या है बेचारे का? ये तो जब दिल्ली गया था तो उसे वादा करके गया था कि मैं आऊंगा मैं आऊंगा वापस तो आऊंगा, तो इसके दिमाग में तो वही चल रहा है बेचारे के। तो इसने मना कर दिया कि भाई बनेंगे तो ऊपर से बनेंगे, नीचे से नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, इसके बाद में वीरमदेव सोनगरा वापस कहाँ आ गए? आपके जालौर। अच्छा, ये जालौर तो आ गया, अब पीछे से मन नहीं लग रहा है फिरोजा का। जब तक वीरमदेव तो था, लेकिन आज उसके बाद में क्या करे फिरोजा? बेचारी अकेली रह गई, ना कोई साथ में लूडो खेलने वाला, घरे तो घरे क्या। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी अब फिरोजा के लिए किसको मांगने आ रहा है? जालौर में आ रहा है। आया, कानड़देव सोनगरा से बात की। कानड़देव सोनगरा ने भी अलाउद्दीन खिलजी का स्वागत किया। आओ आओ, कानड़देव सोनगरा को मैटर पता नहीं है, केवल मामलो गड़बड़ हुआ है, इसका आईडी नहीं है। तो उसके बाद में कानड़देव सोनगरा ने कहा अलाउद्दीन खिलजी से कि देखो, मैंने बात को आइडिया नहीं है सा, मैं ही वीरमदेव ने खाली एडमिशन ले रहा हूँ कौटिल्य में, मैं क्यों टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर ले, बढ़िया नंबर अच्छा आई हूँ और घोड़ी मात बैठा आने दे, वहाँ सब मैटर कर दे वहाँ। अब इसका मुझे पता नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई आप समझो अपने बेटे को। तो कहा कि मैं तो क्या समझाऊँ अब इसको, इसने मुझसे कहा था पापा यदि मैं टेक्निकल हेल्पर बना ना तो मुझे चॉइस देना आप, और इसकी चॉइस कोई और है। उसके बाद में वापस चला गया अलाउद्दीन खिलजी। बेचारा सोचा कि बेटी को समझाएंगे कि एक टेक्निकल हेल्पर नहीं सही, तो और बहुत सारे टेक्निकल हेल्पर हैं, देखो दूसरे को मौका मिलेगा। लेकिन फिरोजा ने कहा अच्छा, तो फिरोजा ने कहा नहीं पापा, मैंने इसके साथ में सेल्फी ले रखी है, स्टेटस लगा रखा है, उसका क्या होगा है? वो 14 फरवरी पर दिए गए गिफ्ट कैसे भुलाया जाए। तो कहा कि चलो कुछ ना कुछ करेंगे, और वो कुछ क्या करेंगे वो आगे लिखेंगे। आपने कहाँ तक लिखा वो देखिए, यहीं तक ये लिखा आपने, तो इसको लिख लो। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे? दिक्कत ये भी है, अगर घरवालों ने ऐसे देख लिया तो घरवाले मुझे पकड़ लेंगे। अच्छा, ये पढ़ाते हैं जीके यहाँ, आ जाओ हैं? आपका तो कुछ जाने वाला है नहीं, मुझे पकड़ लेंगे। अच्छा, आप चलो हमारे गांव में बेच लगा लो, हम भी पढ़ लेंगे साथ साथ में, वो भी तो कह देंगे। चलो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो। अच्छा, ऐसे लिख लिया, वाह।